एक दिन एक अमीर आदमी अपने महल में बैठा हुआ था उसने अपने महल के बाहर एक सेब फरोश को आवाज लगाते हुए सुना सेब खरीदे सेब हाकिम ने बाहर देखा कि एक देहाती आदमी अपने गधे पर सेब लादे बाजार में जा रहा है अमीर आदमी ने सेब की ख्वाहिश की और अपने वजीर से कहा कि खजाने से पांच सौ रुपये ले लो और मेरे लिए एक सेब लाओ वजीर ने खजाने से पांच सौ रुपये निकाले और अपने मुआविन से कहा कि ये चार सौ रुपये लो और एक सेब ले आओ माविन वजीर ने महल के मुंतजिम को बुलाया और कहा कि ये तीन सौ रुपए लो और एक सेब ले आओ महल के मुंतजम ने महल के चौकीदारी मुंतजिम को बुलाया और कहा ये दो सौ रुपये ले लो और एक सेब लेकर आओ चौकीदारी के मुंतजिम ने गेट के सिपाही को बुलाया और कहा ये एक सौ रुपये ले लो और एक सेब ले आओ सिपाही सेब वाले के पास गया और उसे गिरेबान से पकड़कर कहा देहाती इंसान तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो तुम्हें तो नहीं पता कि यह ममलकत के बादशाह का महल है और तुमने दिल दहला देने वाली आवाजों से बादशाह की नींद में खल डाला है अब मुझे हुक्म हुआ है कि तुझको कैद कर दूं सेब फरोश महल के सिपाहियों के कदमों में गिर गया और कहा मैंने गलती की है जनाब इस गधे का बोझ मेरी मेहनत के एक साल का नतीजा है ये ले लो लेकिन मुझे कैद करने से मुआफ रखो सिपाही ने सारे सेब लिए और आधे अपने पास रखे और बाकी अपने मुंतजिम अफसर को दे दिए और उसने उसमें से आधे रखे और आधे ऊपर के अफसर को दे दिए और कहा कि ये एक सौ रुपए वाले सेब हैं अफसर ने उन सेबों का आधा हिस्सा महल के मुंतजिम को दिया उसने कहा कि इन सेबों की कीमत दो सौ रुपए है महल के मुंतज ने उन सेबों में से आधे अपने पास रख लिए और आधे असिस्टेंट वजीर को दे दिए और कहा कि इन सेबों की कीमत तीन सौ रुपए है असिस्टेंट वजीर ने आधे सेब उठाए और वजीर के पास गया और कहा कि इन सेबों की कीमत चार सौ रुपए है वजीर ने आधे सेब अपने पास रख लिए और इस तरह सिर्फ पांच सेब लेकर अमीर आदमी के पास गया और कहा कि ये पांच सेब हैं जिनकी मालियत पांच सौ रुपए है हाकिम ने अपने आप सोचा कि इसके दौरे हुकूमत में लोग वाकई अमीर और खुशहाल हैं किसान ने पांच सेब पांच सौ रुपये के एवज़ फरोख्त किए यानी सौ रुपये का एक सेब मेरे मुल्क के लोग एक सौ रुपये के एवज एक सेब खरीदते हैं यानी वो अमीर हैं इसलिए बेहतर है कि टैक्स में इजाफा किया जाए और महल के खजाने को भर दिया जाए और फिर यूं आवाम में गुरबत बढ़ती 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 ही चली गई ये वाक फारसी अदब से माखूज है नाजरीन यही हाल आज कल हमारा है नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम लोग इस तरह की करप्शन में मुलविस होते हैं इन सब लोगों को ये पता तक नहीं कि हमारी मौत हमारे ऊपर मंडला रही है और किसी भी वक्त अल्लाह का फरिश्ता हमारा काम कर देगा दोस्तों हम जो हराम की कमाई से पैसा कमाते हैं रिश्वत की गरज से या नाजायज तरीके से यकीन करें ऐसा पैसा ना तो हमारे काम आएगा और ना ही हमारी औलादें ऐसे पैसे से अपना कुछ बना सकेंगी ऐसा पैसा हमारे बाद रिश्तेदार खा पी जाते हैं लेकिन हिसाब हमें देना पड़ेगा खुदा जरा सोचिए जिंदगी मौत की अमानत है लेकिन इसके बावजूद अपने बैंक बैलेंस को बनाने की कोशिश में और मिल्कियत को बढ़ाने की कोशिश में दिन रात लगे रहते हैं और हराम और हलाल की तमीज़ तक को भूल बैठते हैं अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे और हमें ऐसे नुमाइंदे मुंतब करने की तोफ़ी अतः फरमाए जो हमारे हक में बेहतर फैसले करने वाले हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हुक्मरानों तक जरूर पहुंचाइएगा हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा पेज प्यारा इस्लाम लाइक और फॉलो नहीं किया तो अभी लाइक करके फॉलो का बटन क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस आप तक पहुंचती रहें जजाको मुल्ला खैर